आपकी आवाज नहीं उठाई जा रही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। क्योंकि अगर असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, जिस चीज से, जिन मुद्दों से आपके जीवन पर फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी आवाज दबाई जा रही है, कुचली जा रही है। ये सरकार हो, ओपोजिशन हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, चाहे कोई भी हो, असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बात जून 1914 को ऑस्ट्रिया के फ्रेंड फर्डिनेंड को गोली मारी जाती है। उसके बाद कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर वन, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसमें करोड़ों जाने गई थी, अरबों खरबों का नुकसान हुआ था। कहने का मतलब है कि एक गोली से पूरी दुनिया को इतनी बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी थी, विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अभी एक दिन पहले ही अमेरिका ने रशिया के में अपने जो सिटीजन्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स जो रह रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की थी कि वो जल्द से जल्द रशिया को छोड़ दें। और अब एक दिन बाद ही यूएसए ने रशिया की जो गैस पाइपलाइन है, जो जर्मनी जाती है, या मैं कहूँ रशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करती है यूरोप में, और रशिया की एंट्री है वो, जो है यूरोप में डिपेंडेंसी बढ़ाती है रशिया की, उस पाइपलाइन को, उस गैस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो बाइडन ने हालांकि पहले ही ये कहा था कि अगर रशिया यूक्रेन पर चढ़ाई करता है, युद्ध करता है, तो हम इस पाइपलाइन को तोड़ देंगे। If Germany, if Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैस पाइपलाइन के लिए परमिशन भी, शुरुआत के लिए, शुरू करने के लिए जो परमिशन थी, वो जो बाइडन ने ही दी थी, इसमें हामी भरी थी, और उसने खुद ही इसको उड़ाने का जो है ऑर्डर दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस गैस पाइपलाइन की वजह से रशिया जो है एंटर कर चुका था यूरोप में, और यूरोप की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर काफी ज्यादा हो गई थी, जो शायद अमेरिका को पसंद नहीं आए। लेकिन हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, तब भी भारत के जो सैनिक गए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और भारत पर भी इसका काफी बुरा असर हुआ था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में भी, उस समय देश तो गुलाम था, लेकिन जो बंगाल फेमाइन, चर्चिल ने जो भुखमरी थी, जो अकाल यहां पर पड़ा था, वो मैन मेड था। चर्चिल ने अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए यहां पर लोगों को भूखा मारा था, और लाखों लोगों की जानें ली थी। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ा युद्ध होता है, तो उसका असर हर जगह होता है, और अगर अब होगा तो भी उसका असर होगा। होगा ये कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि भारत में तो एक धड़ा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई है, लेकिन फिर भी वो बढ़ तो रही ही है, सबकी जेब से पैसा निकल ही रहा है। और अब ये लगभग तय हो गया है, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने बता दिया है कि जो रिसेशन है, वो 2023 में आने ही वाला है, आप उसको नहीं रोक सकते। तो एक तरफ महंगाई से आपकी जेब ढीली होती जा रही है, और दूसरी तरफ रिसेशन, मंदी आने वाली है, और इस बार की मंदी काफी भयानक होगी, और जिसके लिए तैयारी शायद आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहां पर ना तो लोग ये मानने को तैयार है महंगाई है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाने को तैयार है। आज पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस पर चाहे 24 घंटे में एक बार ही क्यों ना बात करता हो, लेकिन बात कर रहा है। सिर्फ एक ही देश पूरी दुनिया में ऐसा है जिसके लिए मंदी, बेरोजगारी, ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। हमने देखा पिछले 2 साल में, कोरोना काल में, किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी, गरीबी बढ़ी, जो भी कारण रहे हो, या बढ़ाई गई, कुछ भी कारण रहा हो, ये चीजें बढ़ी हैं, और लोगों की जिंदगी अभी भी पटरी पर नहीं आई है। तो जो लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आई है, तो उससे हो क्या रहा है?
अभी भी वो गरीबी रेखा के नीचे ही जी रहे हैं, अभी भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, अभी भी बेरोजगार हैं, वो लगातार नौकरियों की तलाश में हैं। और अब 2023 में दोबारा से जब मंदी आएगी तो दोबारा से लोगों की नौकरियां खत्म होंगी, दोबारा से और लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। 10 से 12 करोड़ का ऑफिशियल आंकड़ा है, सरकार ये कहती है कोरोना काल में भारत में नौकरियां गवाई हैं। इसका मतलब है 45 से 50 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया था, तो अब जो रिसेशन आएगा उससे क्या होगा, और भी स्थिति भयानक होने वाली है। लेकिन समय किसी के पास नहीं है इस पर बात करने के लिए। हाँ, और सब मुद्दों पर बात करने के लिए ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है, और समय भी है बात करने के लिए। तो आपकी आवाज है, क्या वो उठाई जा रही है? आपकी आवाज नहीं उठाई जा रही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। क्योंकि अगर असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, जिस चीज से, जिन मुद्दों से आपके जीवन पर फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी आवाज दबाई जा रही है, कुचली जा रही है। ये सरकार हो, ओपोजिशन हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, चाहे कोई भी हो, असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पर, बात होनी चाहिए गरीबी पर, इन पर बात होनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या बात करते हैं, क्या मुद्दे लेकर आते हैं टीआरपी के लिए, उसके लिए हमें मतलब नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं लोगों को कह दूं कि आप 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में नहीं रह रहे हैं। अगर मीडिया आपके मुद्दों को नहीं उठा रहा है, तो सिर्फ सरकार को गाली देने से ये नहीं होने वाला है, चीजें नहीं बदलने वाली हैं, वो यों ही होती रहेंगी। आप उस चीज का इंतजार मत कीजिए कि आप सरकार को गाली दे रही हैं, चीजें बिगड़ती जा रही हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप बर्बाद होने का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि अगर ऐसे ही गाली देते रहे तो चीजें तो कुछ बदल नहीं रही हैं, आपके मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं रहे हैं, आपकी आवाज उठाई नहीं जा रही है, हो क्या रहा है, चीजें बिगड़ती जा रही हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि उनको ठीक भी नहीं किया जा सकता। श्रीलंका के हालात आपने देखे। अब आप कहेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर गरीबी पर काम हो रहा है? अगर आपके आसपास एरिया में सब कुछ ठीक दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही ठीक है। अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। अभी भी दिक्कतें हैं, ग्राउंड लेवल पर कितने बदलाव हुए हैं एक बार सही मायने में देखिए। चीजें अभी नहीं बदल रही हैं, आपके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, और मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं तो आप इंतजार मत कीजिए अपने बर्बाद होने का, अपना नंबर आने का। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है। आज आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहने से चीजें नहीं बदलने वाली। आपको चीजों को बदलना पड़ेगा। हैशटैग चलाइए, वीडियो से शेयर कीजिए, वीडियो जो जो लोग बातें कर रहे हैं उनको, जो जिन मुद्दों पर वो बातें कर रहे हैं, जिन असली मुद्दों पर वो बातें कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को उठाइए, उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप आज जंगल में नहीं रह रहे हैं, ये एक डिजिटल युग है। इसके कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, और जब इस डिजिटल युग की कुछ खामियां कमियां हैं, तो इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके फायदे ये हैं कि आप एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में रहने वाले भी हैं, तो आप अपनी आवाज को पूरे नेशनल लेवल पर क्यूमुलेटिव आवाज होगी। तो अगर आप इकट्ठे आवाज उठाएंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि सरकार को गाली देने से हो जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देने से हो जाएगा, तो ये सब नहीं होने वाला, ये चीजें नहीं बदलने वाली जब तक आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आने वाला, इतना तो तय है। अगर आपको चीजों को बदलना है तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज खुद उठानी होगी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय